और मुझे सिर्फ एक बार पॉइंट टेबल दिखा दीजिए। पॉइंट टेबल मतलब पॉइंट टेबल भी क्या देखना है भैया। अब हम जल्दी से ये करेंगे कि आपकी टॉप फोर जो है गुजरात टाइटंस सीएसके वो है आपका क्वालिफायर वन, एलिमिनेटर है आपका लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस। तो वापस आ जाइए, लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस में कौन जीत रहा है वासुदा? व्हाट डू यू थिंक, लखनऊ वर्सेस मुंबई? बड़ा सवाल। मैंने मैंने बोला आई वुड गो विद लखनऊ। यू आर गोइंग विद लखनऊ अगेंस्ट मुंबई? वापस आ जाओ बेटा, लखनऊ वर्सेस, आई विल बिकॉज इट्स बीन प्लेड ऑन अ स्लोअर ट्रैक, चेन्नई पे। मुंबई कुड बी ऑन द बैक फुट, दे विल हैव टू फोर्स देयर शॉट मेकिंग एबिलिटी। और उसमें क्या है, बॉल जब नहीं आता बैट पे आप मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, उसमें अपने जितने रोबस्टनेस है खत्म होने का पूरा पूरा चांस रहता है। मगर लखनऊ इज गॉट डेप्थ, डेप्थ टू फाइट, तो वो शायद मुंबई में भी है। आई एम नॉट अंडरमाइंड, बट वो गौतम गंभीर जिस खेल शुरू किया है ना, जिस तरीके से खेल रहा है, एंड मेरे को ये लगता है कि बॉलिंग बेटर है लखनऊ, नहीं लखनऊ की बॉलिंग तो बेटर है, बेटर है, तो इसलिए जो पिच और मुंबई का बैटिंग बेटर है लखनऊ से, जो पिच वाला बड़ो पुरान, अब भूल के स्टॉइनिस, पुरान वही मैं बोल रहा हूँ, स्लो पिच पे लखनऊ के बैटर्स ये अपना डीकॉक मेयर, तो लखनऊ के पास आई थिंक दे हैव इनफ टू सरप्राइज। एंड यू नो यूटिलिटी प्लेयर है वो, टीम के लिए खेलते हैं वो, ऐसा नहीं अपना रन बना के निकल गए पद्दी गली से, ये है कि वो खेलेंगे 40 बनाएंगे, कोई 26 बनाएगा, कोई 36 बनाएगा, कोई आके 16 बना देगा चार बॉल में, ऐसे टाइप का टीम है। तो ये डेंजर टीम है, एंड इसलिए द फैक्ट दैट दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू विन देम गेम्स, यू नो, बट एक बात ये जरूर है, व्हिच इज आरसीबीज टेम्पलेट, स्लो पिच जरूर है, स्ट्रोक मेकर्स मुंबई के पास बहुत है, वहां पे लखनऊ के पास भी सेम थिंग है, काइल मेयर्स, क्विंटन डिकॉक, स्टॉइनिस, पूरन, सब स्ट्रोक मेकर्स है। बट मुंबई का मुझे ये लगता है कि, और मैं ये भी बता रहा हूँ, एनीबॉडी आउट ऑफ द गेम, ठीक है, मानता हूँ। तो लखनऊ अगर उधर से आ गया तो लखनऊ और चेन्नई फर्स्ट मैच में चेन्नई को शिकस्त देके चला जाएगा हमारे भाई साहब जीटी ऊपर फाइनल में, इस पे आ रहा हूं ना पहले, और सीएसके और लखनऊ का होगा, मैं पूरा कर रहा हूं, रुक जाइए ना, आई वोंट बी सरप्राइज इफ जीटी और लखनऊ आर प्लेइंग द फाइनल, जीटी लखनऊ फाइनल। एक सेकंड, अभी आप बताइए, आप मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स एलिमिनेटर मुंबई इंडियंस, मुंबई, यार ये तो पूछने की बात नहीं, मुंबई के फैन से आप ये पूछोगे, मुंबई, मैं भी मुंबई के साथ ही हूं, मुझे लगता है कि मुंबई के जो कप्तान एक्सपीरियंस है वहां पे क्रुणाल पांड्या ने बहुत अच्छा करा है, बट रोहित शर्मा को एक एडवांटेज स्पेशली है 5 टाइटल्स की, प्लस उसमें एक चीज और, मैं सूर्या और टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, ईशान, रोहित, लखनऊ की प्लेइंग 11 को देखो ना और प्लेयर्स को देखो, तो इंडियन प्लेयर्स मुंबई के पास ज्यादा है, ईशान किशन, रोहित शर्मा जो स्लो पिच के जैसे बासुदा ने बोला, और सूर्या, और उसके बाद निहाल वडेरा भी है। वही लखनऊ शुरुआत करें, क्यूडी के काइल मेयर्स पिछले मैच में नहीं खेले, करण नहीं, अंडरडॉग है डेफिनेटली ऑन पेपर, If you'd ask me, Mumbai is a strong team. But overall, मेरे को लगता है ये जो लखनऊ का जो हाइजीन लेवल है टीम का, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। अमीनुल हक हीरो बन गया है टीम के अंदर ही, जो भी किया है वो क्रांतिकारी जो आके लड़ते हैं, और लड़ाई आपको लड़ाई चाहिए इसमें, इसमें ये नहीं कि आप गिव अप करो ये, और लड़ाई करने का क्षमता है। इन्होंने जो SRH मैच निकाला था आपको याद है, जिस तरीके से उन्होंने KKR मैच निकाला, KKR मैच निकाला, फंस गया था, जिस तरीके से पूरन ने आके बैट, पूरन जैसे बैट्समैन हो जिस टीम में, मैं तो सोचता हूँ कि मुंबई वुड बी रियली हैप्पी टुनाइट, बट दे शुड गेट वरीड इमीडिएटली बिकॉज़ इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी गेम। अच्छा, लखनऊ और मुंबई की बात हुई, क्वालिफायर वन जीटी सीएसके कौन जीतेगा? वो तो बोला जीटी, जीटी, हां जीटी क्वालिफायर बाद, मुझे लग रहा है सीएसके जीत रही है भाई, क्योंकि क्वालिफायर बाद चेपॉक पे है और सीएसके अभी अपना, हाँ लेकिन ये जो रविंद्र जडेजा वगैरह का पता नहीं क्या हो रहा है, आपने ये तो इस तरीके का शुभमन गिल आपने देखा, अल्टीमेट विजय शंकर आके परफॉर्म कर रहा है, अल्टीमेट ये जीटी, देखो चेन्नई नो डाउट वर्ल्ड चेन्नई, यू आर राइट, आपने देखा होगा एक मैच में स्लो विकेट में दिल्ली ने हरा दिया था जीटी को, जीटी को, तो देखने वाली बात होगी, बट मुझे सीएसके, मगर ऑन पेपर इट्स गोइंग टू बी जीटी, जीटी और सीएसके, कल ही है सर, आज मंडे हो गया, अगर वैसे देखें सीएसके कल की तारीख में क्वालिफायर, सीएसके, सीएसके, सीएसके और कौन है, सीएसके और सीएसके क्वालिफायर टू, आप बोले आपके हिसाब से क्वालिफायर टू बोल रहे हैं सीएसके वर्सेस लखनऊ, लखनऊ खा जाएगा सीएसके, लखनऊ खा जाएगा सीएसके को 100%, आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लखनऊ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, गौतम गंभीर पुराना खुंदक फिर से वो पिक कर लेगा गुरु, गंभीर वर्सेस धोनी, गंभीर वर्सेस धोनी, गंभीर वर्सेस धोनी हो जाएगा अगर क्वालिफाई टू होता है सीएसके वर्सेस एलएसजी,
सीएसके वर्सेस एलएसजी होता अगर मुंबई बाहर होता भाई फिर तो सीएसके 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 ये बोल रहे एलएसजी नहीं 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 मैं एलएसजी नहीं सीएसके अच्छा अगर ये मत दिखाओ एलएसजी हैज रियली सरप्राइज्ड मी अभी मत दिखाओ नहीं दिख रहा वैसे भी नहीं दिख रहा वो मैं ये पूछ रहा हूं अगर सीएसके क्या कहते हैं अगर एमआई जाते अगर सीएसके वर्सेस एमआई होता है क्वालीफाइड टू है भाई मुंबई यार बादशाहत अपनी प्लेऑफ्स में सीएसके वर्सेस एमआई होता है क्वालीफाइड प्लेऑफ्स में बादशाहत अपनी है मुंबई सीएसके वर्सेस मुंबई 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 तो मुंबई वर्सेस मुझे लगता है अगर सीएसके वर्सेस एलएसजी होता है तो बैलूगा सीएसके और मुझे लगता है अगर सीएसके वर्सेस एमआई होता है तो बैलूगा सीएसके सॉरी अच्छा फाइनल फाइनल में जीटी को रखा है आप दोनों ने मैं भी रख चलो रख लेता हूं जीटी डिजर्व भी करते हैं वो जीटी वर्सेस सीएसके फाइनल बताइए जीटी वर्सेस लखनऊ नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ जीटी वर्सेस आ रहा हूँ जीटी लखनऊ में जीटी वर्सेस सीएसके फाइनल कौन जीता है जीटी जीटी सीएसके फाइनल जीटी मैं बोलता हूँ सीएसके जीटी लखनऊ फाइनल कौन जीता जीटी 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 लखनऊ फाइनल जीटी जीटी एमआई फाइनल जीटी जीटी एमआई फाइनल एमआई अब एमआई क्यों हो गया पहले तो अब क्यों हो गया एमआई पहले जीटी जीटी एमआई अपनी टीम की बात है ना और उसमें भी अगर माय टीम इज जीटी जीटी भी को हमने जीटी को हराया है पिछले मैच में ठीक है और उसमें भी हमने जीटी के 100 पे 8 कर लिए थे ठीक है आज के मैच में हमने जीटी की बैटिंग देखी लेकिन अभी भी देखना होगा ना अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीटी अगला मैच जीत के सीधे पहुंच जाएगी भाई सीएसके भी जा सकती है ना तो वहां पर भी देखना होगा जीटी की बल्लेबाजी गेंदबाजी अगले मैच में क्वालिफायर वन में कैसी रहती है बट अगर जीटी एमआई होता है तो ऑब्वियसली मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा अगर मेरी टीम होती है तो दूसरे ऑल्टरनेटिव देता हूं मैं जीटी को अभी साइड रखो सीएसके एमआई फाइनल में आपको क्या लगता है भाई लगता है आपको सीएसके एमआई फाइनल में क्या लगता है मुंबई बिकॉज आपने क्वालिफाई टू भी बोला था किसी तरीके से अगर लखनऊ जाती है लखनऊ ऊपर जीटी बाहर लखनऊ सीएसके फाइनल लखनऊ सीएसके फाइनल कैसे होगा हो जाएगा ना एलिमिनेटर में से लखनऊ जाएगी सीएसके क्वालिफायर वन जीत के जाएगी फिर लखनऊ ने अगर जीटी को हरा दिया वो चली जाएगी लखनऊ सीएसके लखनऊ इस बार आई एम नॉट गिविंग लखनऊ सीएसके को देख नहीं रहे आप अगर लखनऊ सीएसके का फाइनल होता है सीएसके के साथ चलिए जी अभी पता नहीं है उनके बीच